ये कालिया नाग क्या है भैया, बताऊं के रहता हूं। ये कालिया नाग जो है, ये है जो यमुना में जहर घोल रहा था। तो जा दुनिया में जितने जहर घोरे भाई अतकाए वे सबको है अपने मौते तो कह दो करो। यदि जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग हैं, और इतकी कचु कहना रहो अपने आप ही समझ लो हैं। यदि जा मोहल्ला के हैं तो कालिया नाग जहर घोरवे बारे, जहर घोरवे को मतलब कहा है प्रदूषण फैलाना। पंच तत्व हैं उनमें प्रदूषण फैलाना, समाज में प्रदूषण फैलाना। ये सवेरे सवेरे जगत खेम बीड़ी जोड़ लेते ना, ये वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, ये कालिया नाग हैं। और ये मोह में गोबर भर के पिच पिच कट डोल तक आए हैं, क्या पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है। एक बोर्ड पे मैंने देखी एक जो है जहर की पुड़िया, जहर की पुड़िया, और बाप का लिख रही केसर का दम, केसर का दम। समझ गए होंगे, समझ गए अरे हैं, केसर का दम। अब केसर को और बा को कातान मेलो, केसर तो बलवर्धक है और वो तो आदमी के जीवन को सत्या नाश करवे वारो है। तो भाई खाए के बा गोबर है मुंह में भर के, ये हमारी माता बहने घर को साफ करती हैं, पोछा लगाए के लीप के पोत के, और जी आवते बा गोबर भर के चाजा पिच पिच कर दे। जिन्हें जीव ना होश रहे तो कहाँ थूकनो चाहिए और कहाँ हैं, बस थूक देंगे। तो बेव कालिया नाग हैं, और जो पी पाए के जो अपने दिमाग के खराब कर रहे हैं और पूरे गांव के माहौल खराब कर रहे हैं बेव कालिया। यहाँ बैठे हो तो बुरो मत मानियो, और मानो तो मान जाइयो, वो तो कल ले जानो ही है, है? बुरो मानो तो मान जाइयो है, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल यहाँ से रब जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। नाग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। और सबसे बड़े कालिया नाग बताऊं, बुरो न माने तो
दोनों पक्षों से पूछ रहा हूं, नहीं तो रहने दो, मुंह पे मुंह ही कागज पर रही है भाई तुम्हारी, मोह तो नेक आग ना लग रही बोली भाई मैं, आओ तो कह दो करो आओ जी। सबसे बड़े कालिया नाग हैं जो खोपड़ी में प्रदूषण और जहर घोलते हैं किसी के घर में जाकर के, भैया भैया में, बाप बेटा में, सास बहू में। एक मैया दीवा के छोरा को ब्याह होना आ रहो, सुबह के छोरा को ब्याह बोली कि महाराज जी जब छोरा को ब्याह भेजाओ तो खूब कथा सुना करूंगी आकर के। जादना ते ब्याह भयो बाको निकरे वो दुर्लभ है गो। मैंने कि तो कहेगा तू तो बिल्कुल ही कथा में नहीं जाती है। सो बोली बहू की रखवाई रखनी पत्ते, पड़ोसन जहर घोच जाएंगी, एक अदना मिल मौको मिल गो तो पड़ोसन तक तकानी बैठी है, जहर है घोर के तैयार बैठी है, बस घोपड़ी में डार नो है। एक दिन आने का मैं चली गई बहू अकेली छोड़ के, बाद ना दे बहू को मिजाज कछु बदलो है। तो ऐसे जो नाग हैं अथवा जो हाँ हैं, है ना, ये सबसे खतरनाक हैं। औरत को तो भगवान क्षमा भी कर देगा, लेकिन किसी के घर में कोई जहर घोरे है उसको भगवान क्षमा करने वाला, हमारे महाराज जी बैठे दूध खो वाले पूछनी हो जिनते, उसको भगवान क्षमा नहीं करेगा। क्यों महाराज जी? हाँ, उसको क्षमा नहीं करेगा। भैया भैया में जहर घोरे, बाप बेटा में जहर घोरे है, बहन भैया में जहर घोरे, सास बहू में जहर घोरे, और यहां तक कहूं कि गुरु चेला में जहर घोरे, उसको भगवान क्षमा नहीं करता है। क्यों उसको क्षमा क्यों नहीं करता, औरों को तो कर देता है? क्योंकि ये जहर ऐसा है कि एक बेर दिमाग में घुस गो, गावन में एक बात सुनी होगी तुमने, सबकी दवाई है पर बहम की दवाई नहीं है। और जब ये कालिया नाग बहम को जहर घोच जाता है ना, तो फिर पति पत्नी में, भैया भैया में, और गुरु चेला में, सास बहू में, हैं सब में जो है जहरी जहर है। ऐसे लोगों के फनों को तो भगवान ऐसे कुचलवाता है, ऐसे कुचलवाता है, और खुद भी कुचलता है, हैं जैसा मौका लग जाए, फिर बिना के फन उठवे लायक रहते नहीं है। उसका तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। एक पंक्ति गाता हूं मैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना बोलो ना चाहिए, जिस भजन में राम का कहूं कोई तीन दुखी पिटरो हो तो भैया बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। कहूं कमजोर कोई सतारो हो तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। पर एक मेरी प्रार्थना है, एक आदमी पिटे जो मैं बताए जा रहा हूं ते उसे बिल्कुल मत बचाना, और बचाओगे तो पाप लगेगा। बताऊं? आओ बोलो। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो उसे पेंट दिलाना ना, चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। बेटियों को कुछ जगह नहीं जाना चाहिए, कुछ जगहों पर, ज्यादा मेला ठेला में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा बारात भरातों में नहीं जाना चाहिए, ब्याह शादियों में नहीं जाना चाहिए, और जीजा के यहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। गलत कहूं तो तुम्हें मुंह पकड़ लो, जीजा के यहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पर आजकल बच्चियों को सबसे ज्यादा शौक जीजा के यहां जाने का है, हैं? तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तुम उसे ज्यादा जानते हो, हैं?
जी जाके यहाँ नहीं जाना चाहिए, और काऊ कारण से जानो परे, एक आध घंटा 10 मिनट जानो परे, तो ज्यादा वहां जाके जीजू 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 ये सब नहीं करना चाहिए। अरे भाई तेरी जीजी है, बाको पति है, उनको घर चलन दे, तुम बीच में काहे को मां का मतलब। चाय बिटिया कितनी, अब जो जाति आती है मैंने बहुत बुरी लग रही हो, मेरी बात है जहर ते करूगी है, पर मोह का मैं तो कल चले जाऊंगा, लगे तो लगे है। चाय बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। अब कहने जा रहा हूं मैं, दिल के भीतर जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट से उस बात का समर्थन करना, और बात समझ में ना आए तो चुपचाप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। जब चुगल खोर पे परे पन्हैया, तो उसे बचाना, यदि मौको लग जाए तो एक आध तुम भी उतार के बनी, 9 नंबर की 8 नंबर की जो नंबर तुम्हारा होए, हैं? क्योंकि वो जाने कितने के घर बिगाड़ रहा है, कितनों के परिवार तोड़ दिए उसने, कितनों के रिश्तों को आग लगा दी है। ऐसे व्यक्ति में तो पनाह ही नहीं, कुछ और परे तऊ कम है, कम है। इसलिए जान में पतो बच जाएगा जो चुगल खोर है। चुगल खोर में परे पन्हैया, तो उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।